हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम ने सेकंड चैप्टर के कुछ डाटा को फिलअप कर लिया था। जैसे सेल्स एंड परचेस को हम कर चुके थे और शॉप फर्नीचर की भी हमने एंट्री कर ली थी। अब बाकी आती है पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर के अंदर हमें कुछ निम्न प्रकार के एक्सपेंस किए गए हैं जिनकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है, जैसा कि ऑफिस एक्सपेंस। तो दोस्तों हम वाउचर टाइप के अंदर चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, एंड यहाँ पर हमें पेमेंट करना है कैश वह भी। और कैश हम पेमेंट करते हैं ऑफिस एक्सपेंस के नाम का। तो दोस्तों हमने ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट या हम कहें लेजर अभी तक ओपन नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली सेकेंडरी लेजर यहीं से ओपन कर सकते हैं अल्ट के साथ में सी को प्रेस करते हुए। तो अल्ट के साथ हमने सी प्रेस किया और ऑफिस एक्सपेंस के नाम का अकाउंट हमने यहीं पर ओपन कर लिया है और इसे हमें रखना है इनडायरेक्टेड एक्सपेंस के अंडर में। हम इसे रखेंगे दोस्तों, और कितने रुपए के हमने एक्सपेंस किया है वह हमें लिखना होता है। और आगे बढ़िए, स्टेशनरी यहाँ पर कैश इन हैंड लिया गया है जो कि हमने अकाउंट पहले से ओपन किया हुआ है दोस्तों, तो हमें नया अकाउंट ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जनरल वाउचर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, यह भी हमने ओपन किया हुआ है पहले से। इसकी एंट्री हम कर देते हैं। अगला आता है दोस्तों पेट्रोल एक्सपेंस, जो कि हमने पहले से अकाउंट ओपन किया हुआ है, इसकी भी एंट्री हम कर देते हैं। और अगला आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसकी भी एंट्री हम कर देते हैं दोस्तों, पहले से इसका अकाउंट हमने ओपन किया है। अब बारी आती है दोस्तों कैश इन हैंड चेक करना कि अब हमने हमारी कंपनी में कितना पैसा है इसकी जानकारी लेनी होती है। तो हमें टेली के अंदर जाना होता है गेटवे ऑफ टेली पर, अकाउंट डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर हम चलते हैं और अकाउंट बुक पर हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। और अकाउंट बुक के अंदर कैश बुक बैंक वाला ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आप चेक करते हैं। 37,000 कैश इन हैंड हमें दिखा रहा है 37,622 रुपये, बैंक का दिखा रहा है 12,500 रुपये, और ग्रैंड टोटल हमें दिखा रहा है 50,122 रुपये। तो दोस्तों यह मैच बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक्स टू वॉचिंग दोस्त।